1 सितंबर से 6 और 13 सितंबर को नीट, आईआईटी और जेईई की परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन बस ट्रेन की सुविधा नहीं होने पर परीक्षा केंद्र तक आने जाने में परीक्षार्थियों को परेशानी होने की चिंता सताने लगी है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं आईआईटी, जेईई, नीट आदि परीक्षाओं के लिए जिले के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था की जा रही है। नीट जी जी मेंस के एग्जाम के लिए जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया है और आज दिनांक तक अभी 85 बच्चों ने एग्जाम्स के लिए जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से कल के लिए 2 लोग जाने के लिए तैयार हैं, जिनको कल उनके सेंटर तक भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। कलेक्टर ने परीक्षार्थियों के परिवहन की व्यवस्था के लिए जिला पंचायत सीईओ तीर्थ राज अग्रवाल को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी है। निशुल्क व्यवस्था का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र का नाम और मोबाइल नंबर के साथ जानकारी भेजकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले से 85 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और मंगलवार को परीक्षा केंद्र में जाने के लिए 2 परीक्षार्थी ने सहमति दी है, जिनके जाने और आने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही अन्य परीक्षार्थियों के आवेदन आने पर उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। जांजगीर चांपा से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।